अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज कासिम यासर फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। आज हम आपके लिए 10 मरले का घर जो कि लेक सिटी सेक्टर M2A में लोकेटेड है लेकर आए हैं। घर की फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है जिसमें टाइल वर्क किया गया है। बहुत ही एलिगेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं। घर बिल्कुल 1 मिनट की वॉक अवे पार्क है घर के। आए आपको इस घर के रिव्यू की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको इस घर की फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, नीचे वाइटिश कलर कॉम्बिनेशन, क्रीम वाइट कलर कॉम्बिनेशन की टाइल लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट किस्म की फ्रंट एलिवेशन है। इसमें आपको वुडन स्टाइल डोर मिलता है, वुडन टेक्सचर और ब्लैक टेक्सचर को मिक्स करके। इधर आपको राइट साइड पे ग्रीन स्पेस मिल जाती है और बहुत ही एलिगेंट किस्म का डिज़ाइन मिल जाता है ग्रे और वुडन टेक्सचर यूज़ करके। अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रे कलर की टाइल्स यूज़ की गई हैं, बहुत ही एलिगेंट टाइल्स एंड कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। एक्सेसिव स्पेस है, इजीली एक सेडान कार और एक मिनी कार इधर खड़ी हो सकती है। इधर भी आपकी एक कार खड़ी हो सकती है इजीली। एल शेप आपको विंडो दी गई है। अप क्लोज फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। जैसा कि आपको बताया, क्रीमी वाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन विद ब्लैक कलर यूज़ किया गया, साथ में वुडन टेक्सचर फिनिश दिया गया है। गैरेज में आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर आपको टाइल्स दी गई हैं, फुल बहुत ही एलिगेंट लुकिंग वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं। घर पे एक बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही हैं। चलें घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको बता देते हैं, इस घर में आपको डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है, बहुत ही एलिगेंट किस्म की। मेन एंट्रेंस डोर आपको 10 फुट का मिल जाता है, ग्रैंड एंट्रेंस डोर जिसमें सॉलिड वुड यूज की गई है, बहुत ही एलिगेंट। अंदर एंटर हो तो लेफ्ट साइड पे आपको सेंसर ऑपरेटेड मिरर मिल जाता है और साथ ही आपको पाउडर रूम मिल जाता है। डोर्स बहुत ही एलिगेंट किस्म की वुड यूज करके A+ क्वालिटी में बनाए गए हैं। हिंजेस आप देख सकते हैं, कलरफुल हिंजेस लगाए गए हैं। ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। इसमें कंसील्ड एक्सेसरीज लगाई गई हैं, वॉशरूम है एंड सेंसर प्रिंटेड मिरर विद ब्लैक थीम एक्सेसरीज की यूज किए गए हैं। अंडर स्टेयरकेस एरिया मिल जाता है आपको, वुडन आपको स्टेयरकेस मिल जाती है, येलो पर टाइल्स एंड ऊपर आप देख सकते हैं आपको मेज टाइप थीम मिल जाती है। वॉलपेपर यूज किया गया है ग्रे कलर टेक्सचर्स में। आप वॉलपेपर की क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। अंदर राइट साइड पे आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। ड्राइंग एरिया में अगेन आपको 8 फुट की ग्रैंड हाइट एंट्रेंस मिल जाती है, वुडन डोर मिल जाता है जिसमें मिरर ग्लास का इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपेरेंट। आए आपको एक फुल लुक दिखाते हैं ड्राइंग एरिया की। काफी ग्रैंड ड्राइंग एरिया जिसमें आपको फैन इंस्टॉल मिलते हैं, ऊपर एलिगेंट फॉल सीलिंग मिलती है विद हाइलाइटिंग लाइट्स एंड अ वेरी ब्यूटीफुल शैंडलियर। सामने वाली वॉल में आपको वॉलपेपर डिजाइन मिल जाता है एंड आपको सिरेमिक डिजाइन मिल जाता है विद ब्रास की टचिंग मिल जाती है। आप देख सकते हैं डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, साथ गोल्डन कलर के लैंप्स लगाए गए हैं। ड्राइंग एंड टीवी लॉन्च को सेपरेट करने के लिए स्लाइडिंग डोर दिया गया है आपको 9 फुट का, जिसमें ट्रांसपेरेंट मिरर यूज किया गया एंड ब्लैक डोर हैंडल्स यूज किए गए हैं। टीवी लॉन्च की तरफ चलें तो टीवी लॉन्च भी काफी ग्रैंड है, काफी एक्सेसिव स्पेस है टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग की गई है एंड देन आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। मीडिया वॉल में बहुत ही एलिगेंट किस्म का काम किया गया है। आपको 2 कलर्स की वुड यूज की गई है, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर की वुड करके आपको मीडिया वॉल बना के दी गई है। केबल कनेक्शन किए गए हैं, एंड पे आपको वॉलपेपर टच मिल जाता है एंड नीचे आपको कंसोल मिल जाता है विद स्टोरेज स्पेस। साथ ही आपको किचन मिल जाता है। किचन की तरफ चलते हैं, पहले किचन की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं किचन में आपको वुडन डोर मिल जाते हैं 8 फुट की ग्रैंड हाइट्स के एंड आपको साइड एली के एक्सेस मिल जाता है। इधर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है विद फ्रिज स्पेस, आपको डेडिकेटेड फ्रिज स्पेस दी गई है।
स्टोरेज स्पेस में आपको रैक्स बना के दिए गए हैं, प्रॉपर रैक्स बनाए गए हैं। देन उसके अलावा आपको किचन स्पेस में काफी एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, आपको फैंस मिल जाते हैं, रेज का हुड एंड स्टोव मिल जाता है, काफी एलिगेंट किस्म का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, फॉल सीलिंग की गई है, हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं, कंसील्ड एक्सेसरीज लगाई गई हैं, फैंस पूरे घर में इंस्टॉल्ड है, काफी प्रीमियम क्वालिटी की आपको किचन टाइल्स मिल जाती हैं, अगेन ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में। आगे चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो आपको लॉबी टाइप एरिया मिलता है बेडरूम में जाने से पहले, जिसमें ऊपर आपको एक लैंप मिल जाता है वॉल हैंगिंग, और इधर आपको एक वॉलपेपर मिल जाता है एलिगेंट नेचर थीम पे। फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं, बेडरूम में एंटर हो तो बेड वॉल सबसे पहले आपको नजर आती है एंटर होने में, जिसमें अगेन ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, एंड मिडिल में आपको बेड वॉल पे सिरेमिक डिजाइन के अंदर एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है, एंड राइट एंड लेफ्ट पे आपको वेंटिलेशन एंड लाइट के पासिंग थ्रू के लिए दो विंडोज मिल जाती हैं, मीडिया वॉल मिल जाती है, मीडिया वॉल पे अगेन टीवी लॉन्च वाली थीम यूज की गई है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर के वुडन टेक्सचर, वुडन टाइल्स यूज की गई है, मीडिया वॉल बना के दी गई है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग दी गई है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, एंड आपको फॉल सीलिंग के साथ हाईलाइटिंग लाइट्स मिली है। देन साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत आपको वैनिटी मिलती है, एलईडी मिरर मिलता है, सेंसर ऑपरेटेड है, ओवल शेप में, पार्किंग स्पेस को आपके शीशा लगा के सेपरेट किया गया है, कंसील्ड एक्सेसरीज यूज की गई है जोरा की, एंड आपको इधर वार्डरोब मिल जाती है वॉशरूम के अंदर, जो कि कंसील्ड है, इसकी वजह से वॉशरूम की स्पेस को अफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल इसके एडजस्टिंग ही सेकंड बेडरूम लोकेटेड है, सेकंड बेडरूम में चलते हैं, काफी एक्सेस स्पेस है बेडरूम में, आपको वार्डरोब एक बड़ी सेपरेट एरिया में मिल जाती है, जिधर आपका बेडरूम का एरिया अफेक्टेड नहीं होता, टेक्टाइल्स की वुड यूज की गई है वार्डरोब के लिए, एलिगेंट फॉल सीलिंग की गई है, वुडन टच दिया गया फॉल सीलिंग को, बेड वॉल के बिल्कुल ऊपर फॉल सीलिंग दी गई है, बेड वॉल पे डार्क ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया, मिरर का भी यूज करके आपको बेड वॉल बना के दी गई है, वॉल हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं, एंड साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें फुल 2x4 की टाइल्स यूज की गई है, ब्लैक कलर एंड डार्क ग्रे कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है, सेंसर ऑपरेटेड मिरर रखा गया है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग करके दी गई है, कंसील्ड एक्सेसरीज यूज की गई है, एंड आपको शावर एरिया सेपरेट किया गया है, एंड फुल प्रॉपर थीम को फॉलो किया गया है, ब्लैक एंड डार्क ग्रे गोल्डन। मूविंग फॉरवर्ड, हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले नोटिसेबल चीज आपको वुडन स्टेयरकेस मिलता है, जिसमें काफी हाइलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं साइड पे आपके स्टेयर स्टेप्स को हाईलाइट करने के लिए, फुल वॉलपेपर किया गया, जिधर भी आप देखेंगे किसी जगह कुछ छोड़ा नहीं गया। देन आपको लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है, एंड सबसे पहले आपको बेडरूम मिल जाता है। इधर इस बेडरूम की बात करें तो आपको इधर एक डिजाइन मिल जाता है, पीछे आपको वुडन टेक्सचर की टाइल मिल जाती है, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, आपको राइट एंड लेफ्ट पे वेंटिलेशन और लाइट के पासिंग थ्रू के लिए एरिया मिल जाता है, एंड बाहर आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। ऑन बेड वॉल बहुत ही एलिगेंट किस्म का थीम डिजाइन बनाया गया है ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में, एंड ऊपर आपको फॉल सीलिंग दी गई है वुडन टच में, आप देख सकते हैं काफी यूनिक एंड काफी एलिगेंट डिजाइन किया गया है बेड वॉल को। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपको वैनिटी मिल जाती है, सेंसर ऑपरेटेड मिरर मिल जाता है, कंसील्ड एक्सेसरीज मिल जाती है, एंड सेपरेट बाथिंग एरिया मिल जाता है, जिसको शीशा लगा के सेपरेट किया गया है, और ऊपर तक ओपन रखा गया है लाइट के पासिंग थ्रू के लिए, कंसील्ड वार्डरोब वॉशरूम के अंदर। चले आगे मूव करते हैं,
आगे मूव करके आपको थ्रू दिस आप टीवी लाउंज एरिया को एंटर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको ओपन किचन मिल जाता है, जिसमें टेक्टाइल्स की टाइल्स यूज की गई हैं, डार्क ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। आपको ड्रॉज मिल जाते हैं, कैबिनेट्स मिल जाती है, रेस के हुड एंड स्टोव मिल जाता है, देन ओपन टू स्काई एरिया मिल जाता है, जिसको आप पेशियो भी कह सकते हो। ओपन टू स्काई एरिया भी बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, आपको टाइल डिजाइन मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत पेंट और वॉल हैंगिंग लैंप्स मिल जाते हैं। देन सामने मीडिया वॉल की बात करते हैं, आप देख सकते हैं मीडिया वॉल पे वॉलपेपर का यूज किया गया, ब्रास मिरर और काफी खूबसूरत आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। टीवी लाउंज को पास थ्रू करके आप बेडरूम्स को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम में दाखिल होते हैं तो बेडरूम में आपको सबसे पहले ऊपर नोटिसेबल चीज वॉल सीलिंग मिलती है विद हाईलाइटिंग लाइट्स, एंड आपको इस तरह विंडो मिल जाती है लाइट एंड वेंटिलेशन के पासिंग थ्रू के लिए, एंड आप इस ओपन टू स्काई एरिया को इधर से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेपरेट वार्डरोब एरिया दिया गया है, जिसमें आपको वार्डरोब दी गई है और इसके साथ ही आपको तहसील फैसिलिटीज के साथ वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपको गे बाथिंग एरिया सेपरेट मिलता है। फुल हाइटेड आपको मिरर्स मिल जाते हैं जो सेंसर ऑपरेटेड है, एलईडी मिरर्स हैं। एडजेसेंट ही थर्ड बेडरूम लोकेटेड है फर्स्ट फ्लोर का, उसमें दाखिल होते हैं तो अगेन आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट्स, विंडोज मिल जाती हैं आपको बेड वॉल पे लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए, कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है जिसमें बहुत ही एलिगेंट डिजाइन यूज किया गया है, वुड का रैक हैंगिंग स्पेस सब कुछ पहले ही बना दी गई है। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इसमें अगेन आपको सेंसर ऑपरेटेड मिरर मिल जाता है, फुल हाइटेड सेपरेट बाथिंग एरिया एंड कंसील्ड फैसिलिटीज मिल जाती है विद वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल टाइल्स। चले आगे मूव करते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। टोटल अकोमोडेशन अभी आप देख सकते हैं, आपको 5 बेडरूम, 2 टीवी लॉन्स, सेपरेट पाउडर रूम एंड 2 किचन्स मिल चुके हैं। ऊपर तक आपको वॉलपेपर्ड वॉल्स मिल रही हैं एंड वुडन स्टेयरकेस मिला है। ऊपर आ जाए तो आपको लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है, जिसमें ऊपर आपको जगह छोड़ के दी गई है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक नीचे तक लाइट पास थ्रू करता है। देन आपको स्टोर रूम दे दिया गया, इनटू दिस डोर आप इस घर की छत को एक्सेस कर सकते हैं। आप छत देख सकते हैं, छत में वेरी एलिगेंटली डिजाइन किया गया है छत को। इधर बालकनी छोटी है, जिसकी वजह से आपको इधर लॉक लगा के दिया गया है। छत पे आपको सर्वेंट क्वार्टर एंड वॉशरूम मिल जाता है, ये आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है, एंड देन इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।